कल रात मेरी बेटी को हवेली में चुप चुप कर लेकर आए थे। रियान को अपनी बहन से मिलना था। तुम्हें और रियान को गुल को दुआएं देनी चाहिए। अगर मेरी बच्ची गुल वहां ना आती तो वही तुम्हारा हिसाब बराबर करते था। अभी कर ले, आपके सामने ही हूँ। गुल भी नहीं है यहाँ पर, देखते हैं क्या कर सकते हैं आप। मुझे उकसा रहा है। बाबा रिलैक्स हो जाएं प्लीज, यहाँ आने का हमारा मकसद कुछ और है, रियान को बाद में देखते हैं। उस दिन मैंने अपनी बेटी को पहले अल्लाह और फिर तुम्हारे सुपुर्द किया था, लेकिन ये मत भूलना कि उसका बाप उसे ऐसे तुम्हारे पास छोड़ देगा। मैं उसे तुम्हारे पास रहने नहीं दूंगा। मैं आपकी अमानत का पूरा ख्याल रख रहा हूँ खेसर साहब, यहाँ पर मौजूद सबसे बचा रहा हूँ उसे। रियान मेरे पास महफूज है, फिक्र मत करें। बहुत हो गया, खामोश हो जाओ। हम यहाँ रियान के बारे में बातें करने नहीं आए। मैं यहाँ इस टेबल पे बैठने नहीं आया तुम्हारे जैसे इंसान के साथ। ये नोटिस किस लिए भेजा है बोलो। नोटिस में लिखा है कि हम इस प्रोजेक्ट से अलग हो रहे हैं। पढ़ा नहीं क्या आपने? हाँ पढ़ा है। तुम्हारा शुरू से यही प्लान था कि हम बैंक से लोन लें और उससे सामान खरीदें और फिर हम फंस जाएं। अब तुम लोगों के विड्रॉल से बैंक अपना लोन वापस लेगा, यही सारी प्लानिंग है ना तुम्हारी? मैं जानता हूँ अच्छी तरह। बैंक आपकी कंडीशन देखकर लोन वापस मांग रहा है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? ये आपका मामला है। अगर ये मामला ऐसे ही चलता रहा तो सब लोग मुतासर होंगे। खुलकर बताओ तुम्हारा मकसद क्या है? तुम चाहते हो कि खून बहे? अगर खून बहना है तो चाहे बह जाए, लेकिन वो बहने वाला खून मेरा नहीं होगा खजर साहब, ये मत भूलिएगा। तुम्हारी जान लेने का कब से मंतजर हूं, तो तुम किस कदम के जाओ। रिलैक्स हो जाओ बेटा। बाबा यहां क्या काम अजीजा? ये मीटिंग मर्दों के लिए है, औरतों का यहां कोई काम नहीं। वापस घर जाओ। अजीज असलान बे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हेड हैं, ये भी आपका मसला सुनेंगी। अब ये कौन सा नया खेल खेल रही हो? बुरा वक्त आते देर नहीं लगती नसू। बहुत हो गया, जो कहना है वो कहो। तुम्हारे लिए एक अच्छी ऑफर है। हम लोग तुम्हारे बैंक के सारे लोन कवर कर लेंगे। तुम इसकी अदायगी से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, लेकिन जाहिर है इसके बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। हमारे लोन की अदायगी करने वाली तुम होती कौन हो? मैं यहां अपने लोन के लिए नहीं, सिर्फ ये जानने आया हूं कि तुम्हारा प्लान क्या है। अब जल्दी से मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। शादुलो हवेली। ये तुम क्या बकवास कर रही हो अजीजा? वो हवेली हमारे खानदान की मीरास है। वो हवेली टोटल लोन की 1% भी नहीं है। मुझे जो कहना था कह दिया नसू। अब तुम बताओ मुझे, उस घर से कब निकल रहे हो? ये दीवाने का ख्वाब खा भी रहेगा तुम्हारा। उस हवेली से मुझे तो क्या हमारे कुत्ते को भी नहीं निकाल सकती। तुमने सुन लिया नसने क्या कहा? कल जब बैंक वाले तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे तो तुम्हें ये सब बेचना पड़ेगा।
कितने पैसे मिलेंगे तुम्हें इसके? 3, 5, 10 और मैं तुम्हारे $100 मिलियन के लोन पे करने की बात कर रही हूं। बदले में हवेली मेरी। उस हवेली को लेने की औकात नहीं तुम्हारी। शायद वो हवेली तुम सिर्फ ख्वाबों में हासिल कर सकती हो। ज्यादा दूर मत जाओ। कुछ ही अरसे के बाद तुम खुद उस हवेली की चाबी मेरे हाथ में दोगे। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। जिस तरह सालों पहले मैंने तुम्हें इस शहर से निकाला था, दोबारा उसी तरह निकाल दूंगा। तो फिर मीटिंग खत्म हुई हमारी। वकीलों को बता दो कि वो जल्द अज जल्द अपना काम शुरू कर दें। दादी जान, आप हवेली क्यों लेना चाहती हैं? मैं शादुलों वालों का सब कुछ छीन लेना चाहती हूँ, और सबसे पहले उनकी वो हवेली। इस औरत को हमारी हवेली क्यों चाहिए? क्यों? ताकि हमें परेशान कर सके वो, हमें ये सोचने पर मजबूर करने के लिए कि वो चाहे तो हमसे हमारी हवेली भी ले सकती है। नहीं, वो कुछ और चाहती है हमसे। मामला कुछ और ही है। इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी हैं। अब मीरान की तबाही हमारा सबसे बड़ा मकसद है। देखो आजाद, हरगिज नहीं, तुम कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगे, समझे? मेरी इजाजत के बगैर कोई कुछ नहीं करेगा, समझ गए ना? चलो चले। मुझे मार्केट में काम है जरा। यस भाई, मैंने जो आपको लोकेशन भेजी है उस पर आधे घंटे में पहुंचे, और लेट मत होना, ठीक है?